Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss a little fish story from unit 4 of a book Marigold. This story is about a little fish who is unhappy about his size, and then one day something happened which changes his thinking. बेटा ये जो कहानी है ना, ये एक छोटी सी मच्छी की कहानी है जो अपने आकार को लेकर के, अपने साइज को लेकर के वो हमेशा उदास रहा करता था. उसको ऐसा लगता था कि भगवान ने उसको बहुत ही छोटा बनाया, बहुत ही अलग बनाया है, और वो खुश नहीं था. लेकिन उसके साथ एक ऐसी घटना घटती है कि उसके सारे सोच को वो बदल डालता है. लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी रीडिंग नाउ. देयर आर अ ग्रेट मिनी मिलियन फिश इन द सी. लाखों मछलियां समुद्र में हैं. ये तो आपको भी पता है कि समुद्र में कोई एक मछली नहीं होती है, बहुत सारी मछलियां होती हैं. बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम. लेकिन ये जो कहानी है ना, उन लाखों मछलियों के बारे में कहानी नहीं है, सिर्फ एक मछली के बारे में यह कहानी है जो आप इस पिक्चर में देख सकते हो. एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट. और उसमें देखो इतनी सारी मछली दिखाई दे रही है ना, तो बहुत सारी छोटी छोटी हैं, लेकिन वो उसमें से जो सबसे छोटी मछली थी ना, यह उसकी कहानी है. नाउ दिस लिटिल फिश हर्ड एवरीथिंग इन द सी टू मेक हिम कंटेंटेड. उस मछली के पास उस समुद्र में सब कुछ था जो उसको संतुष्ट रख सके, किसी चीज की कमी नहीं थी. बट ही वॉज नॉट हैप्पी. लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था. You will laugh when I tell you why he was not. तुम लोग हंसोगे जब मैं तुम लोग को बताऊंगी कि वो क्यों नहीं खुश था. He was unhappy because he was so very small. वो क्यों उदास था? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा था, उसकी साइज काफ़ी छोटी थी, इसलिए वो हमेशा उदास रहा करता था. It is very hard to be such a little mite of a fish. और इतना छोटा होना एक मछली के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ थी, मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती थी. He would say over and over again. और वो बार बार ये बोलता था कि इतना छोटा होना बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिनाइयाँ हैं. If I were only larger, how much happier I could be. अगर मैं बड़ा होता, इससे थोड़ा सा बड़ा होता, तो मैं कितना खुश होता. एंड ही सेड इट सो मेनी टाइम्स डैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट. और ये जानते हो, जैसे कि यह एक बार नहीं बोलता था, वो बार बार बोलता था कि मैं कितना छोटा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, बहुत बड़ी मुश्किल है, मैं थोड़ा सा भी बड़ा होता तो कितना अच्छा होता है. मतलब ये चीज़ उसके दिमाग में बैठ गया था और उसको बिलीव हो गया था कि मैं छोटा, इतना छोटा हूँ तो मैं खुश नहीं रह सकता, हमको मतलब संतुष्टि नहीं है, लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं खुश रह सकता हूँ. वन डे ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल एंड थिंकिंग. स्कूल मतलब यहाँ पे बेटा ये कलेक्टिव नाउन है जो आपका क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ फिश. यानी कि जो मछली का झुंड होता है ना, उसके झुंड को हम लोग, उसके ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, स्कूल बोलते हैं. तो वो एक दिन सारी मछलियों के झुंड में वो तैर रहा था और वो सोच रहा था, क्योंकि वो उसके अंदर निगेटिव थिंकिंग भर चुकी थी. No doubt how much more the larger fish had to be thankful for than he. उसके दिमाग में यही चल रहा था, ये जितनी भी बड़ी मछलियाँ हैं ये कितनी खुश हैं, ये गॉड को कितना धन्यवाद देती होंगी, क्योंकि उसको ये लगता था कि ये मुझसे ज़्यादा हैप्पी हैं और इनकी लाइफ सबसे अच्छी है. When suddenly with no warning they found themselves in the meshes of a great net. यहाँ पर मैसेज से रिलेटेड है आपका जाल. तो जानते हो ये बेचारा सोच रहा था, उसको किसी चीज़ का पता भी नहीं चला, तभी वो अचानक सारी मछलियों के साथ अपने आप को भी वो जाल में फंसा हुआ पाया. There was much floundering and splashing. आप जानते हो जैसे कि जब वो उसमें जाल में फंसा हुआ पाया, तो वो सारी मछलियाँ क्या करने लगी, बेचैन हो गई, फड़फड़ाने लगी, छटपटाने लगी, यानी छप छप की आवाज़ आने लगी. तो जैसे मान लो कि हम लोग अपना नोज और माउथ हम लोग बंद करते हैं तो हम लोग अंदर से बेचैनी टाइप का हो जाता है ना, तो उसी तरह से मछली को आप पानी से बाहर निकालोगे तो वो क्या होती हैं, बिल्कुल परेशान हो जाती हैं, क्योंकि जल ही उनका जीवन होता है. तो इसलिए जब वो जाल में फंस गए तो बिल्कुल वो छटपटाने लगी, छप छप की आवाज़ आने लगी.
एज द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर इन टू द सनलाइट, और वो धीरे धीरे यानी कि बोट द्वारा जो जाल लगाया गया था अब वो जाल को ऊपर खींचने लगे, क्यों, मछली को निकालने के लिए। तो जैसे जैसे ऊपर वो खींचने लगे, एंड जस्ट एज सो इट्स हॉल वॉज बींग एम्प्टीड इन टू द बोट, अब उसको क्या किया गया कि सारे मछलियों को ऊपर लाया गया और उसके बाद सारे मछलियों को अब खाली करने लगे, यानी कि अब मान लो कि नेट में हम मछली को फंसाया गया है, तब मछली को नेट से बाहर निकाला जाएगा ना, तो वैसे ही अब मछली को बाहर निकालने के लिए अब कोशिश करने लगे लोग। द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल रिगल थ्रू द मेज एंड स्लिप्ड बैक इन टू द कूल क्लियर वाटर, तभी जानते हो जो छोटी वाली मछली रहती है ना, अब वो टेढ़ा मेढ़ा, जैसे मान लो कि हम लोग कहीं मार्केट में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन हम लोग को जल्दी जाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा किसी तरह से हो करके और हम लोग साइड से निकल जाते हैं। तो उसी तरह से ये जो छोटी वाली मछली है ना, तो वो सारी मछलियाँ तो फंसी हुई थी, अब उसी में ये क्या करने लगी, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो करके, और वो तुरंत उस जाल में, क्योंकि बड़े बड़े उसके होल थे ना, तो ये छोटी थी तो छोटी तो वैसे भी निकल जाएगी, तो उस नेट के होल से जो बिल था उस बिल से वो क्या करती है, उस छेद से वो नीचे गिर गई और वो बिल्कुल ठंडे पानी में जा पड़ी, यानी कि सरक गई थी वो। हाउ गुड इट फेल, अब जानते हो जब ना जब पानी वो में वो गिर गई तो वो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानी, उसको ये लगा कि अब मेरी जान बच गई। He swam here and there and everywhere. अब जानते हो उसको मतलब इतना खुशी मिला कि सच में मतलब मैं इतना मैं बड़ा था, अगर होता तो मैं फंस गया होता, लेकिन मैं इतना छोटा हूँ इसलिए मेरी जान बच गई, और वो पानी में गिर जाती है और वो खुशी से चारों तरफ यहाँ वहाँ चारों तरफ वो तैरने लगा। And some of the fish who knew him will all the rest of his life. और मान लो कि और तो सारी मछलियाँ जो अच्छी तरह से जानती थी वो तो जा चुकी थी, लेकिन और सारी मछलियाँ जो थी जो उसको अच्छी तरह से वो जानती थी, said that they never again heard him say, फिर दोबारा उसके मुंह से या कभी नहीं सुनी, कितना छोटा मछली होना बहुत बड़ी बात है, उन्होंने आगे अब कभी नहीं सुना, क्योंकि उस मछली को विश्वास हो गया था कि छोटा ही होना सबसे अच्छी बात है। That he wished to be anything but a little fish, मतलब उसको विश्वास हो जाता है, उन्होंने कभी उस मछली के मुँह से नहीं सुना कि इतना बड़ा होना मतलब बड़ी मुश्किल बात, इतना छोटा मछली होना बहुत बड़ी मुश्किल है, ये चीज़ उन्होंने कभी नहीं ऐसा सुना, और उस मछली को बहुत ज़्यादा मतलब खुशी हुई कि छोटा होना ही सबसे अच्छी बात है। द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज वी शुड बी कंटेंट विथ However we are, इसलिए बेटा कहा जाता है कि जैसे हैं हम उसी में हमको अपने आप को संतुष्ट रखना चाहिए। I hope you all understand. Now we will meet in next video. Thank you.